हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको आरवीएम कैड का इंडस्ट्रियल रोबोट दिखा रहा हूँ यूज़ होता हुआ। पीछे इस पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आप सब लोग सीएनसी वीएमसी सीख रहे हैं, 5 साल बाद हर इंडस्ट्री के पास ये रोबोट होगा। सो दिस इज़ अ फानुक 6-एक्सिस इंडस्ट्रियल रोबोट। इस पर जो प्रोग्राम चल रहा है, पीछे वेल्डिंग का प्रोग्राम चल रहा है एंड इसकी प्रोग्रामिंग जो है पूरे इंडिया में सिर्फ हम सिखाते हैं, बिकॉज ये रोबोट किसी यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है, किसी ट्रेनिंग सेंटर के पास भी नहीं है। वी आर दी ओनली वन टू हैव दिस रोबोट। एंड ये देखिए किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। सो दिस कैन लिफ्ट अप टू 165 kgs एट इट्स टिप। ये जो रोबोट है ये फानुक इंडस्ट्रियल रोबोट है। तो आप देख सकते हैं ये फानुक का जो रोबोट है R2000i 165F, इसको गूगल करके देखना कौन सा मॉडल है ये। ये रोबोट मारुति सुजुकी में यूज़ होता है, इवन टेस्ला में यूज़ होता है। जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं जहाँ पे सारा ऑटोमेशन का काम होता है, उसमें ये वाला रोबोट यूज़ होता है। सो आई विल शो यू मोर। और ये पूरे इंडिया का हमारा अकेला ट्रेनिंग सेंटर है जिसके अंदर इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। सो दिस रोबोटिक आर्म इज 6-एक्सिस। ये आप मोटर्स देख सकते हो जो एक एक एक्सिस के अंदर इसको रोटेट करेगी। तो हम सारे एक्सिस अभी चला के दिखाएंगे एंड क्या क्या इसके अंदर मूवमेंट्स होती है, कैसे कंट्रोल होता है, क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी और इसमें कौन कौन से हम कंट्रोल आर्म्स लगाते हैं, सब कुछ इसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो करण सर हैं, ये सब कुछ अभी एक्सप्लेन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि रोबोटिक्स ऑन कैसे करते हैं, कैसे रोबोट पे वर्क करते हैं, हमारे सेंटर पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है रोबोटिक्स के लिए और कैसे हम एक प्रोग्राम इसमें रन करते हैं। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, MCB ऑन करेंगे, मतलब सप्लाई देंगे इसमें। यहाँ पे रेगुलेटर दे रखा है ऑन ऑफ का, ऑन करेंगे। एक पावर ऑन का बटन दिया हुआ है, पुश बटन, इसको प्रेस करेंगे। एमरजेंसी रिमूव करेंगे। ये एक हमारी की दे रखी है, ये क्या की है, एक स्पीड डिफाइन करने के लिए की दे रखी है। अगर हम T2 मोड पे चलाते हैं तो हमारी 100% स्पीड आपकी वर्क करती है। अगर हम T1 वर्ड चलाते हैं तो 250 mm/s चलती है। ऑटो पे करते हैं तो जब हमारा रोबोट सेल में वर्किंग करता है फुली ऑटोमेटिक, तब हम ऑटो मोड में करते हैं। ऑटो मोड के साथ हमारे साइकिल स्टार्ट और साइकिल स्टॉप के बटन यूज़ होते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है, मतलब इसका ब्रेन है। ये इसका टीच पेंडेंट है। टीच पेंडेंट मीन्स जो रोबोट को टीच करता है, वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करता है। तो सारी कोडिंग जो है इसी के अंदर होगी। हाँ जी, और इसी से पूरा रोबोट हमारा कंट्रोल होगा। रोबोट को हमें टीच करना होता है किस किस पॉइंट पे रोबोट को वर्क करना है। ठीक है, तो ये कितने एक्सिस का रोबोट है? ये फानुक 6-एक्सिस का रोबोट है। इसमें क्या क्या ऑपरेशन करते हैं हमारे पास 3 सेटअप हैं इसके। एक मिग वेल्डिंग का सेटअप है, एक पिक एंड ड्रॉप का सेटअप है, ठीक है, एक स्पॉट वेल्डिंग का सेटअप है। स्पॉट वेल्डिंग का सेटअप, वो स्पॉट वेल्डिंग का सेटअप है दिस वन। ये है मिग वेल्डिंग का सेटअप जिसके अंदर जो वायर है वो फीड होती है, उसको भी हम ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करते हैं। और पिक एंड ड्रॉप का सेटअप जो है वो ये वाला है, इसके अंदर ये इसके पिक एंड ड्रॉप वाले हैंडल्स हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पिक एंड ड्रॉप इसमें करवा सकते हैं। तो अभी आज हम इसके अंदर वेल्डिंग सिमुलेशन करके दिखाएंगे। यस, वेल्डिंग सिमुलेशन। हाँ जी, हमारे पास ये जो प्रोग्राम है, दिस इज द टूल दैट वी हैव, ठीक है। इस टूल के अंदर हम इसकी पेरिफेरी के अंदर वेल्डिंग करके इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो आपने इसमें प्रोग्राम पहले ही बना चुके हो आप? हाँ जी सर, इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम सेव है। ये टीच पेंडेंट है, इसमें भी यहाँ 2 डेडमैन स्विच दिए होते हैं, ठीक है। ये डेडमैन स्विच क्या करते हैं, हमारे रोबोट को एक्टिव करते हैं, ब्रेकलेस करते हैं, मतलब इसकी ब्रेक रिमूव हो गई। ओके। अब जब हम इसको रीसेट करना होता है हमें डेडमैन स्विच को प्रेस करके। ओके। डेडमैन प्रेस किया, हमारे रोबोट के कंट्रोल में एक आवाज़ होगी, मतलब हमारी ब्रेक रिलीज हो गई। शिफ्ट प्रेस करेंगे देन रीसेट। यहाँ सारे अलार्म रिमूव हो जाएंगे, देखो दिखा रहे हैं यहाँ, देयर आर नो एक्टिव अलार्म्स, ठीक है। अब जो भी हमें प्रोग्राम रन करना है उस प्रोग्राम को हम एक्टिव करेंगे और अपने प्रोग्राम को हम रन करा देंगे।
ओके, तो ये सारा कोड आ गया है इसका, ये प्रोग्रामिंग इसको रन करिए, दिखाते हैं रन करके इनको। एग्जीक्यूट हो गया है एंड रोबोट जो है वापस अपने होम पोजीशन पे आ गया है। इसके और हम ट्यूटोरियल वीडियोस डालेंगे।